नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। आइए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश की उन तमाम बड़ी खबरों पर जो आज सुर्खियों में बनी रही। विपक्षी दलों के भारी हंगामे के बीच राज्यसभा से भी कृषि विधेयक को पारित किया गया। कृषि बिल के विरोध में संसद में प्रदर्शन कर रहे सांसदों का धरना खत्म। कृषि बिल पास होने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, अब विकास का नया इतिहास लिखा जाएगा। बीजेपी सांसद और एक्टर रवि किशन ने लोकसभा में उठाया फिल्म अभिनेत्री पायल घोष का मुद्दा। बिहार के बाहुबली नेता शहाबुद्दीन ने पैरोल की लगाई गुहार, तिहाड़ जेल में बंद। राहुल गांधी बोले, मोदी किसानों को पूंजीपतियों का गुलाम बना रहे, देश इसे कभी सफल नहीं होने देगा। अरविंद केजरीवाल बोले, कृषि बिल पर राज्यसभा में गैर बीजेपी दल एकजुट हो। कृषि बिल पर हरियाणा के मंत्री अनिल विज बोले, विपक्षी दल किसानों को कर रहे गुमराह। ममता को अमानवीय कहने पर भड़के भतीजे अभिषेक, केंद्रीय मंत्री बाबुल को भेजा लीगल नोटिस। फारूक अब्दुल्ला बोले, चीन के साथ बात हो सकती है तो दूसरे पड़ोसी से क्यों नहीं। 300 से कम कर्मचारियों वाली फर्म के लिए आसान होगी भर्ती छटनी। कर्नाटक में कक्षा 9 से 12वीं के छात्रों को स्कूल आने पर लगी पाबंदी। तेलंगाना के ग्रामीण इलाकों में बड़े कोरोना वायरस के मामले, 2-3 हफ्तों में आया संक्रमितों की संख्या में उछाल। गोरखपुर के शाहपुर के बसारतपुर में रविवार की दोपहर को बाइक सवार बदमाशों ने महिला और उसकी बेटी को मारी गोली। इलाज के दौरान मां की मौत, बेटी की हालत नाजुक। क्या घटना हुई है? ये थाना शाहपुर में बसारतपुर में आज एक महिला को गोली मारी गई है और उसकी बेटी भी साथ में थी। उन दोनों को गोली लगी है। महिला की गोली लगने की वजह से मौत हो गई है और बेटी का इलाज चल रहा है। वो अभी BRD कॉलेज में भर्ती है। घटना स्थल का मुआयना किया गया है और वहाँ टीमें गठित की गई है। पुलिस टीम में SP क्राइम और SP सिटी के नेतृत्व में 2 टीमें लगाई गई है, जिसमें क्राइम ब्रांच भी शामिल है। हम लोग सर्वलांस के आधार पर, अन्य चीज़ों के आधार पर ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि घटना का कारण क्या है और कोई रंजिश है अथवा अन्य कोई कारण है। इस संबंध में 2 टीमें गठित करके हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। FIR पंजीकृत करके वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। प्रयागराज में ट्रक ने 2 लोगों को रौंदा, गुस्साए लोगों ने हाईवे जाम कर पुलिस पर किया पथराव। कौशाम्बी जिले में गंगा में नहाने गई 6 किशोरियां नदी में डूबी, 3 की मौत, वहीं 3 को गोताखोरों की मदद से बचाया गया। राजधानी के चंद्रिका देवी रोड पर कार सीख रही महिला ने सड़क चौड़ीकरण के काम में लगे मजदूरों पर चढ़ाई कार, 1 मजदूर की मौत। UP में ब्राह्मणों की हो रही हत्या और पुजारियों के वेतन की मांग को लेकर पुजारी महासंघ करेगा 5 अक्टूबर को मुख्यमंत्री आवास का घेराव। पूरे आपने पुजारी समाज और ब्राह्मण समाज के लोगों को बुलाया, यहाँ पर बैठक हुई, काफी लोग आए, इस पर क्या कुछ निर्णय लिया गया आपके समाज? निर्णय क्या लिया गया है? निर्णय ये है कि हमारा पुजारी समाज बहुत पीड़ा में दुखित है और इस पीड़ा इतनी है कि ना कोई हालचाल इनका पूछने वाला है, ना कोई बातचीत करने वाला है, ना इनसे कोई संवेदना करने वाला है। बस इनको ताड़ना देने वाले सभी लोग बैठे हैं। जिस मंदिर में 500 रुपया 1000 पर पूजा कराते हैं, 2 महीना के बाद कहें पुजारी जाओ। इस नाते से बड़ी पीड़ा से, बड़ी दुखे से मैं ये मीटिंग को तय किया गया, बुलाया गया रामेश्वरम हनुमान मंदिर में और मीटिंग सफल भी रही। ब्राह्मणों की जो हत्याएं की गई हैं, महंतों की पालघर में हत्या की गई, संतों की हत्या की जा रही है और ब्राह्मण समाज को जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार अनदेखा कर रही है, इसका परिणाम 2022 में पूरा ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी को दिखाएगा। उसका रिजल्ट और रिपोर्ट कार्ड पूरा ब्राह्मण समाज बनाएगा उत्तर प्रदेश में। इसलिए योगी आदित्यनाथ जी से मेरी इतनी सी मांग है कि जो भी उत्तर प्रदेश में मंदिर रजिस्टर्ड हैं, उनके पुजारियों का मासिक वेतन तय करें, जिससे उनका गुजारा बसर हो सके, उनके बालकों का और बच्चों का खान पान और शिक्षा उनकी हो सके। कोरोना जैसी महामारी के चलते 3-3, 4-4 महीने तक के मंदिर बंद रहे, श्रद्धालु आ नहीं पाए, किसी तरीके का चढ़ावा नहीं चढ़ पाया, ना ही उनको किसी तरीके की मदद मिल पाई। पुलिस प्रशासन ने पूरी तरीके से सख्ती कर रखी थी, कोई कहीं नहीं आया जाएगा, लेकिन इसी कोरोना महामारी में मस्जिदों पर मुसलमानों द्वारा जिस तरीके से और शांतिप्रिय समुदाय द्वारा नमाज पढ़ी जा रही थी, प्रशासन पूरी तरीके से विफल रहा है। मैं सिर्फ इतनी ही आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा और पत्रकार भाइयों द्वारा मांग करूंगा कि पुजारियों को किसी भी तरीके से
भारतीय जनता पार्टी और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अनदेखा ना करें, नहीं तो इसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण रूप से भोगना पड़ेगा। क्या इस संदर्भ में आपको अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर कसा तंज, भोजपुरी अंदाज में कहा ना चली तानाशाही। कोरोना महामारी के प्रतिबंध के खिलाफ लंदन में हिंसक प्रदर्शन, 2 पुलिसकर्मी घायल। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 5,809 नए मामले सामने आए। प्रदेश में 6,584 संक्रमित इलाज के बाद डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। वहीं रिकवरी रेट 79.96 हो गया है। वहीं अब तक करीब 5,047 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अलाइव 24 न्यूज। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल अलाइव 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।